श्री के लौटा। ये भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। यहाँ जो भक्त गिरिराज जी की प्रतिमा करता है उसकी साक्षी हाजिरी यही होती है। जब ठाकुर जी यहाँ से द्वारका गए, जब इनको यहाँ विराजमान कर दिया, मेरा भक्त जो भी गिरिराज जी की प्रतिमा करेगा तुम उनकी साक्षी लेना। तो प्रभु साक्षी तो लेंगे परंतु आपको हाजिरी देने आना होगा। तो ठाकुर जी यहाँ आते हैं तो ये बताते हैं ये भक्त यहाँ गिरिराज जी प्रतिमा करने आए और ये भाव से आए। इस प्रकार से इनका लीला है। भागवत में ये मधुमंगल नाम के सखा हैं कृष्ण के। भगवान के अष्ट सखाओं में सबसे बड़े प्रथम यही थे जो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी सेवा की थी और इनकी झूठी छाछ पी थी। ये पूछरी के लौटा धन्य धन्य रे तो पूछरी के लौटा, और तुम अन्न खाओ ना पानी पियो फिर भी पड़े थे लौटा। पूछरी के लौटा इसलिए हुआ जब भगवान चले गए तो भगवान को पीछे गोपियां ढूंढने आई। ठाकुर जी को पूरा ब्रज मंडल में ढूंढा नहीं मिले। उनमें से एक गोपी को मालूम था कि उनका एक मित्र बैठा है मधुमंगल नाम का सखा जो गिरिराज जी प्रतिमा में, तो चलो उनसे चल के पूछते हैं। तो गोपियां आती हैं, वो पूछती हैं। एक गोपी कह रही है तू पूछ रही, दूसरी कह रही है तू पूछ रही। तो पूछने से तो नाम पड़ा पूछ रही। अच्छा। और जब गोपियां पूछ के लौट गई तो नाम पड़ा पूछ रही के लौटा, पूछो और लौटो। जो गिरिराज जी का चरण है वो यहाँ है, और गिरिराज जी का मुखारविंद है वो जतीपुरा है। गिरिराज जी का नाभि है वो मानसी गंगा है, और गिरिराज जी का मोर मुकुट है और राधा कुंड है। इस प्रकार से गिरिराज जी का छवि है। और राधा कुंड कृष्ण कुंड और विमला कुंड ना कि अप्सरा कुंड जो है, ये अप्सरा कुंड जो गिरिराज जी का चरण में है। अच्छा। यहाँ रात्रि में अप्सराएं आती हैं ठाकुर जी के चरण सेवा के लिए। अच्छा, वहाँ नहाते हैं। और कृष्ण कुंड राधा कुंड कृष्ण कुंड भगवान ने राधा कुंड कृष्ण कुंड अपनी बांसुरी से बनाया। ठीक है हमारे हनुमान जी महाराज की, नागाजी महाराज की, काठिया बाबा जी महाराज की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.